हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे 74 और आज है वेडनेसडे, थर्सडे। आज कल हो जाएगा फ्राइडे, कल हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा खत्म हो जाएगा। सुबह के बज रहे हैं कितने, 10:45 और मैं लेके आ चुका हूँ अपना ब्रेकफास्ट। इसमें एक स्कूप डाल लिया है प्रोटीन। आज मैंने फिर से वर्क फ्रॉम होम ले लिया गृह कार्य के चलते, क्योंकि घर पे कुछ काम था। गृह कार्य हिंदी में जो होमवर्क मिलता था ना उसको बोलते थे गृह कार्य और कक्षा कार्य, ठीक है। तो भाई अभी बैठ चुके हैं ऑफिस का काम करने, ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में ही। और आज पार्क में बहुत ज़्यादा काम करवाना था, इस चक्कर में मैंने ले लिया वर्क फ्रॉम होम। और आज हमारा था पुल डे, जिम में हमने दो या तीन एक्सरसाइज भी शूट करी है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमने बैक, रियर डेल्ट और बाइसेप्स टारगेट करा था। 3-4 एक्सरसाइज बैक की थी, एक रियर डेल्ट की और 2-3 बाइसेप्स की। तो भाई फाइनली अपना ऑफिस का काम हो चुका है खत्म। 6:03 एज यू कैन सी ऑन माई लैपटॉप, और हमने 6 एग्जैक्ट बंद कर दिया था अपना लैपटॉप। तो आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे 74, कल 75 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैलेंज, और कल फ्राइडे भी है। तो सैटरडे को भाई मिलकर अच्छे से बात करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे क्या हमारा पूरी ये जर्नी रही, क्या स्टार्टिंग पॉइंट था, क्या एंड पॉइंट था, पूरा एकदम सैटरडे को खुल के बात करेंगे, क्योंकि कल तो कर नहीं सकते क्योंकि कल शाम को जाके कंप्लीट होगा। इस जर्नी के स्टार्टिंग में हमारा बॉडी वेट हुआ करता था 71 kg, और अभी जब मैं मॉर्निंग में अपना बॉडी वेट जिम जाकर मेजर करता हूँ, वेह करता हूँ, तो मेरा आता है 76 अराउंड। तो इन 75 दिनों में हम कह सकते हैं कि हमने 5 kg मसल मास गेन किया है। अब प्योरली मसल गेन करना तो पॉसिबल नहीं है, वो भी नेचुरली, तो इसमें से मतलब फैट तो आया ही, ऑब्वियसली बॉडी में फैट आया है, बट काफी अच्छा खासा मसल गेन किया है हमने। इतना फैट नहीं आया, वो तुम्हें देख के पता लग ही रहा होगा, डेली मैं अपनी पोजिंग की वीडियो डालता हूँ। और साथ में हमने 2 novel कंप्लीट कर दिए, 3री novel मेरी चल रही है हाफ में, और काफी अच्छा रूटीन चल रहा है देखा जाए तो। तो भाई आज पार्क में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, वो तुम्हें कल ही देखने को मिलेगा। अभी तो रात होगी, मैं सोच रहा था दिखाऊं बट मैं फ्री नहीं हो पाया, और अब ना अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, 6 के आसपास ही अंधेरा हो जाता है, तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ अब, बट सुबह मैं तुम्हें अपडेट दूंगा बढ़िया तरीके से। एकदम पार्क में बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब जो मैंने सोचा था ना ड्रीम पार्क, उसकी तरफ धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ना हम क्लोज जाते जा रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद तुम देखना कितनी अच्छी कंडीशन में मेरा पार्क आ जाएगा। भाई टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 7 और तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, एकदम रेडी, रेडी स्टडी गो। तो भाई आज है देवउठनी 11, आज से मतलब शादी ब्याह चालू हो चुके हैं, तो आज मेरे कज़न की लगन सगाई है जो शादी से पहले होती है, तो उसके लिए मैं हो चुका हूँ तैयार, अभी पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में एकदम। तो भाई कुछ इस तरीके से पूजा की जाती है, सारे घर वालों के पैर बनाए जाते हैं यहाँ पे, उसके फ्लेक्सी के बन रहे होंगे, गाय भैंस मतलब जो पशु रख रखे हैं उनके बनते हैं, सारे इंसानों के बनते हैं, सबके पैर बनते हैं, और ऐसे देवउठनी 11 इसको बोलते हैं। और यहाँ पे भाई गन्ने सिंगाड़े वगैरह वो सब रखे जाते हैं। तो भाई मेरी मील रेडी हो चुकी है, उबले हुए चने और सिंगाड़े, आज थी 11, तो उसके लिए आ रखे थे सिंगाड़े और गन्ने पूजा के लिए। तो भाई हम आ चुके हैं अपना फंक्शन अटेंड करके, कुछ नहीं खा के आया मैं, अपने पहली मील तैयार करके मम्मी से बोल के चने उबलवा के गया था, वो ही खाऊंगा अपने आके, बैठ जाते हैं पढ़ने, टाइम हो चुका है 9:30।
तो भाई फाइनली वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, और आज का वर्कआउट 9 बजे की जगह हो रहा है 11 बजे। तो भाई आज के सारे टास्क कंप्लीट, ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।